हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सुनील और आज हम लोग बात करेंगे ऑल न्यू टाटा टिगोर 2021 के बारे में। और आप ये देख रहे हैं टिगोर का बेस वेरिएंट एक्सी। एंड बात करें अगर इस वेरिएंट के प्राइस की तो 5,49,100 पड़ जाता है एंड 6,26,000 ऑन रोड लखनऊ में आपको पड़ जाता है। 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं और आपको ये 4 वेरिएंट्स में मिल जाती देखने को ऑल न्यू टाटा टिगोर, जिसमें आपको एक्सी, एक्सएम, एक्सजेड, एक्सजेड प्लस 4 वेरिएंट्स मिलेंगे। अगर आप इसका मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में अवेलेबल, अगर आप इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट परचेस करते तो आपको एक्सएम एंड एक्सजेड दो वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आती है ऑल न्यू टाटा टिगोर। एंड बात करें अगर इसके डायमेंशन की तो आपको 4993 mm की लेंथ मिल जाती, विथ की बात करें तो 1677, एंड बात करें अगर हाइट की तो 1532 mm की हाइट मिल जाएगी। ऐसी कुछ आपको नॉर्मल की मिल जाती है जिसमें टाटा की ब्रांडिंग मिलेगी, 2 की भी आपको मिलती है इसमें। एंड काफ़ी बेहतरीन एंड सेफेस्ट सेडान कार है ऑल न्यू टाटा टिगोर, बिकॉज ये ग्लोबल इनकम ने 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी हुई है, तो अपने सेगमेंट की सेफेस्ट कार बन जाती है। एंड आपको टाटा इसमें 2 साल 75,000 किलोमीटर की वारंटी प्रोवाइड कराता है। तो अब बात करें अगर इसके इंजन की तो आपको इसमें 1.2 लीटर रिवरट्रान पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो 1199 सीसी का होगा 3 सिलेंडर एंड 86 पीएस की पावर जनरेट करता है। 113 एनएम का टॉर्क मिल जाएगा एंड 19 का माइलेज मिल जाता है आपको ऑल न्यू टाटा टिगोर 2021 में। तो आइए अब देखते हैं फ्रंट में और क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको टाटा का लोगो मिल जाता है बड़ा सा, एंड ब्लैक पियानो फिनिश में आपको ट्राई एरो डिज़ाइन में इसकी ग्रिल मिल जाती है देखने को, और यहाँ पे भी आपको ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी। एंड फ्रंट में देखेंगे तो आपको क्रोम फिनिश पूरी मिल जाती है, ये देख सकते हैं पूरी लाइनिंग लेफ्ट से राइट तक, जो काफ़ी बेहतरीन लगती है एंड इसके लुक को इन्हेंस कर देती है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं नॉर्मल हाइलोजन हेडलैम्प्स विथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे भी आपको एलिमेंट देखने को मिलता है जो इसको स्पोर्टी फील देता है ऑल न्यू टाटा टिगोर 2021 को। एंड बेस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते, इस वेरिएंट में आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। बात करें अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो आपको 170 एनएम का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, काफ़ी बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए भी निकलते तो एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे वाइपर की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, वाइपर्स मिल जाते हैं आपको, ऊपर रूफ की कुछ इस तरह दिखेगी, एंटीना आपको पीछे मिलता है इसमें। एंड अब इधर देखेंगे अगर इसके साइड प्रोफाइल तो यहाँ पे सबसे पहले व्हील्स पे आप जाएंगे तो इसके 14 इंचेस के आपको स्टील रिम मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, रियर आपको ड्रम व्हील मिलते हैं इसके। एंड बात करें अगर इसके टायर साइज की तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं टायर साइज, इसके 14 इंचेस के स्टील रिम आपको मिलेंगे। और यहाँ फेंडर पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट एंड ब्लैक रफ फिनिश में आपको इसके ओ आर बी एम्स मिल जाते हैं, जो मैनुअली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल होंगे। यहाँ पे आपको डोर हैंडल भी आपको रफ ब्लैक में देखने को मिल जाते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर साइड प्रोफाइल। और यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, 35 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, 35 लीटर आप पेट्रोल इसमें फिल करा सकते हैं। एंड ये रियर व्हील, बात करें इनके व्हील बेस की तो 2450 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी बैक प्रोफाइल। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं ऑल न्यू टाटा टिगोर में। यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, पूरा एक क्रोम फिनिश देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन आपको लगेगा बैक प्रोफाइल में। यहाँ पर टिगोर की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर LED टेल लाइट मिल जाती है, काफ़ी बेहतरीन। तो LED टेल लैम्प आपको ऑफर किए जाते हैं बेस वेरिएंट में ही, काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पे आपको 2 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, एक इधर एक इधर, यहाँ आप की से अपने बूट को ओपन कर सकते हैं। वाइपर वॉशर वगैरह आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आप हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड स्पॉयलर मिल जाता है, रूफ आप देख सकते हैं। तो आइए अब की से हम लोग ओपन करते हैं इसके बूट को, देखते हैं कितना क्या बूट स्पेस मिलता है ऑल न्यू टाटा टिगोर में। एंड तो ऐसा कुछ आपको इसमें 419 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, काफ़ी बेहतरीन बूट स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा लगेज आ जाएगा इसमें आपका। तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये थी कुछ इसकी बैक प्रोफाइल। अब हम लोग चलेंगे इसके इंटीरियर में, देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन अवेलेबल हैं एंड आपको इसमें मैनुअल सेंटर लॉकिंग भी नहीं मिलेगी इसके डोर में।
तो ऐसी कुछ आपको डोर मिल जाती है। फ्रंट में आपको दोनों डोर जो है काफ़ी बेहतरीन इंटीरियर मिल जाएगा आपको इसका। दोनों फ्रंट डोर हैं जो इसमें पावर विंडो आपको मिल जाती हैं, फ्रंट वाली दोनों, एंड रियर वाली उसमें नहीं मिलती हैं। ब्लैक पियानो फिनिश में आपको हैंडल मिल जाता है, ऐसा कुछ डोर ओपनर, नीचे बॉटल होल्डर, यहाँ पे स्पीकर आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, स्पीकर नहीं मिलेंगे। मैनुअल आपको और भी मिल जाता है, मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो आप लेदर सॉरी कवर देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट पड़े हुए, यहाँ पे आपको सीट रिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है, फ्यूल लीड ओपनर एंड बूट ओपनर। तो यहाँ फ्यूल लीड एंड बूट ओपनर मिल जाता है, पैडल्स देख सकते हैं आप नीचे, एंड ऐसे कुछ रफ ब्लैक फिनिश में इसके एसी वेंट्स मिल जाएंगे। वो हम लोग बैठते हैं फिर देखते हैं इसका पूरा इंटीरियर एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सेंटर कंसोल आप देख सकते हैं, म्यूज़िक सिस्टम आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, आपको बेसमेंट में नहीं मिलता है म्यूज़िक सिस्टम। तो ऐसा कुछ आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है देखने को, काफ़ी बेहतरीन। आपको बेस वेरिएंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है, काफ़ी सारी चेकलाइट्स मिल जाती हैं, आरपीएम मीटर एंड स्पीडोमीटर, एमआईडी स्क्रीन सब, स्टेयरिंग देख सकते हैं। या स्टेयरिंग में आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा, अच्छी खासी ग्रिप मिल जाती है, बीच में टाटा का लोगो मिल जाता है आपको, एंड लेफ्ट साइड आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, एंड राइट साइड आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन आपको ग्रिप मिल जाती है इसके, स्टेयरिंग के टिल्ड ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर कंसोल आप देख सकते हैं, यहाँ पे हजार लाइट का कंट्रोल मिल जाता है, एंड ये एसी वेंट्स ब्लैक पियानो फिनिश में मिल जाती है आपको, पूरा इसकी बॉर्डरिंग। यहाँ म्यूज़िक सिस्टम में बाद में लगा हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा बेस वेरिएंट में, बाद में आप लगवा सकते हैं। ये मैनुअल एसी कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा। ये देख रहे हैं आप 5 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन, यहाँ पे हैंड ब्रेक आपको मिल जाती है, एंड ये 2 ग्लास होल्डर। काफ़ी बेहतरीन आपको इंटीरियर मिल जाता है इसका, 5.5 लाख को देखते हो काफ़ी बेहतरीन सेडान कार आपको मिल जाती है, सेफेस्ट सेडान कार इस प्राइस रेंज में। इधर देखेंगे तो आपको इस पिलर में ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, इधर भी दो जगह आपको ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपको IRVM मिल जाता है, इधर सनवाइज़र में आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, दोनों साइड नहीं मिलेगा बिकॉज ये बेस वेरियंट है, एंड ये रीडिंग लैम्प आपको बीच में मिलता है, सेंटर में एक ही मिलेगा, पीछे की साइड समझ लीजिए आगे की साइड। तो काफ़ी बेहतरीन प्रीमियम आपको मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्लव बॉक्स में इतना कुछ स्पेस मिल जाता है, ऊपर टैबलेट होल्डर भी मिल जाएगा आपको ग्लव बॉक्स में। तो सेंटर कंसोल में म्यूज़िक सिस्टम आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, आपको इसमें नहीं मिलता है। जो कवर देख रहे हैं वो भी आपको नहीं मिलते हैं, आपको बाद में लगवा सकते हैं इस तरह के। और जो आप अभी इसमें लगे हुए देख रहे हैं वो कस्टमर ने लगवाया है बिकॉज इसकी डिलीवरी होनी है। तो अब हम लोग चलते हैं रियर सीट पर, देखते हैं कैसे क्या कम्फर्ट है। तो देखते हैं रियर सीट का पूरा कंफर्ट एंड लाइक स्पेस वगैरह। तो आइए बैठते हैं हम लोग, इससे पहले डोर को कवर करते हैं। तो डोर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे हैंडल की जगह मिलता है ट्विटर की प्लेसमेंट, ये रब ब्लैक फिनिश में डोर ओपनर, यहाँ बॉटल होल्डर, ये देख सकते हैं आपको हैंडल मिल जाता है जिससे अपने ग्लास को अप डाउन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो हम लोग अंदर का केबिन देख सकते हैं, अब बैठते हैं देखते हैं कैसे क्या लैग स्पेस है, कैसा देखेगा इसका पूरा सेंटर कंसोल। तो काफ़ी बेहतरीन आपको दिखेगा पीछे से बैठने के बाद, जब आप इसमें म्यूज़िक सिस्टम वगैरह लगवा लेते हैं। यहाँ पर रियर पैसेंजर के लिए बॉटल होल्डर मिल जाता है, ऊपर ये रीडिंग लैंप, लेग स्पेस भी आपको बढ़िया मिल जाता है, हेडरूम भी अच्छा खासा मिल जाएगा आपको। यहाँ ग्रैप हैंडल, पीछे पार्सल ट्रे भी मिल जाती है, आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं बाहर, ऐसा था कुछ इसका पूरा अंदर का इंटीरियर। मैंने आगे एंड पीछे दोनों सीट्स आपको कवर कर दिए दोनों रोज। तो अपने सेगमेंट की सेफेस्ट सेडान कारों में से एक है ऑल न्यू टाटा टिगोर, एंड प्राइस रेंज को देखते हुए एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है इसको परचेस करने का, बिकॉज 5.5 लाख में आपको सेफेस्ट सेडान कार मिल जा रही है। एंड अब बात कर लेगा इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो आपको इसमें ABS विथ EBD मिल जाता है, डुअल एयरबैग मिल जाएगा, रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, एंड मैनुअल की आपको इसमें ऑफर की जाती है, सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती है। एंड टाटा आपको इसमें 2 साल 75,000 किलोमीटर की वारंटी प्रोवाइड करता है, 4 स्टार ग्लोबल एंड कैप ने इसको सेफ्टी रेटिंग दी हुई है, तो काफ़ी सेफेस्ट कार बन जाती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।